मोदी जी 4 बजे आए और गरीबों के लिए कल्याण योजना बता के गए। 80 करोड़ गरीब लोगों को रोज हर महीने अनाज मिलेगा। भाई कितना अनाज मिलेगा? 5 किलो चावल, 5 किलो गेहूं और 1 किलो चना। वाह मोदी जी वाह, मतलब क्या गरीबों के लिए आपने सोचा है? वाह, मतलब गरीब तो फूले नहीं समा रहे, गरीब लोग इतने खुश हो गए कि 5 किलो चावल मिलेंगे उनको, महीने का 5 किलो चावल। अरे मोदी जी, आप गरीब कल्याण योजना लेके आए या गरीबों का मजाक उड़ाने आए? 5 किलो चावल यानी 5000 ग्राम्स चावल आप महीने के देंगे, तो उसको महीने के 30 दिन से डिवाइड करो मोदी जी, 166 ग्राम होता है। आप गरीब को रोज 166 ग्राम चावल और 166 ग्राम गेहूं दे रहे हैं। 166 ग्राम चावल आप बना के पकाइए और उसमें देखिए कितने आदमी उसमें खाते हैं, मुश्किल से एक आदमी खाएगा। और 166 ग्राम का गेहूं का आटा लीजिए और आटे को गूंथ के मोदी जी एक रोटी बना के बताइए प्लीज़। और 1 किलो चना दे रहे हैं, मतलब 1 किलो चना, वो तो सालों चलेगा 1 किलो चना। अब ये अनाज तो आप दे रहे हैं, तो इसको बनाने के लिए मोदी जी तेल लगता है, और वो तेल और सब्जी लाने के लिए पैसा लगता है, और वो पैसा लाने के लिए, कमाने के लिए नौकरी चाहिए, जॉब चाहिए, रोजगार चाहिए, जो हमारे देश में घिर रही है। लोगों के पास नौकरियां नहीं है, लोगों की नौकरी जा रही है, तो आदमी चावल खाएगा कच्चा? आप जरा सोचिए गरीबों के बारे में, यार मजाक कर रहे हैं गरीबों की। ये जन कोई गरीब योजना ला के आप गरीबों की मजाक कर रहे हैं? भाई हमको ऐसी योजना नहीं चाहिए, 5 किलो गेहूं 5 किलो चावल नहीं चाहिए, हमको जॉब चाहिए, जॉब, हमको जॉब दिलाओ, हमको रोजगार दिलाओ कि हम हमारा खुद 5 किलो गेहूँ चावल खरीद के खा लेंगे, हमको सिर्फ जॉब दिलाओ, बस इतना ही।